शाहरुख खान की फिल्म परदेश का एक गाना दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रतापगढ़ के कोंडा से विधायक राजा भैया की इस फोटो पर पूरी तरह से फिट बैठता है। ये फोटो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जिसने अब राजनीति के चर्चा के बाजार को गर्म करके रखा है। दरअसल साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है, शादियों का सीजन भी जारी है। ऐसे में इस समय राजनेता शादियों में भी खूब देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं शादी में से हुई एक शादी से एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसने यूपी के सियासत में भूचाल ला दिया है। फोटो में आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों नेता एक दूसरे से मुलाकात कर हाथ मिला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तस्वीर के वायरल होते ही इसके कई सियासी मायने निकाले जाने लगे। राजनीतिक गलियारे में भी इस तस्वीर के सामने आने के बाद हलचल पैदा हो गई, क्योंकि एक समय राजा भैया और समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव के बीच काफी करीबी और अच्छे रिश्ते थे, मगर राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच पिछले काफी सालों से राजनीतिक दूरियां देखने को मिली। काफी समय से दोनों की मुलाकात की एक भी तस्वीर देखी नहीं गई, मगर अब जब सालों बाद अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच मुलाकात की तस्वीर सामने आई तो इस तस्वीर को लेकर काफी कुछ कहा जाने लगा। चौंकाने वाली बात यह है कि राजा भैया और अखिलेश यादव की मुलाकात का ये फोटो खुद राजा भैया की पार्टी जनता दल लोकतांत्रिक ने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की। बता दें जैसे ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोग भी चौंक गए और तरह तरह के कमेंट करने लगे। फिलहाल तो इस एक तस्वीर ने सियासत के बाजार को गर्म कर रखा है, लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में राजा भैया अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार होंगे। आपको क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए जेनिट टाइम्स।